चलिए बेटा, क्योंकि प्रिंसी ने कहा है कि मैम दोबारा करवा दीजिए, तो एक्सरसाइज 11.2 का ओके मैं जो है क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा करवा रही हूँ. लेट अस डू दैट. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास जो है बेटा, इसमें क्या था. सबसे पहले हमें बोला गया था कि लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल विद, मुझे चूंकि उन्होंने कहा था राइट एंगल एट बी, ए एंड सी मेरे पास जो है ए बी 6 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90, ठीक है, और बी डी मेरे पास जो है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक डी पॉइंट लेने जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, पहले इतना बनाते हैं फिर आगे रीड करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहला काम मेरे पास क्या था, व्हाट आई हैव टू डू हियर, मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले बेस मैंने जो है 8 सेंटीमीटर लेने लगी हूँ. आपके लिए मैं डबल स्केल यूज करती हूँ, मतलब 8 कहाँ है तो मैं 16 ले लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो. ठीक है, आपने 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर लेना. ओके, मार्क दिस एज बी, मार्क दिस एज सी. ओके बेटा, नाउ एट बी आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है. ओके, तो मेरे पास जो है मैंने 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए ओके थोड़ा सा कंपास टाइट कर लेते हैं, ये तो मिल जाती है. नाइन्टी डिग्री एंगल बनाइए सारे. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव मेड यस्टरडे आल्सो. तो ये मैंने 90 डिग्री बना दिया. ओके, मैं ऊपर एक्सरसाइज रब कर देती हूँ. चलिए, अब यहां से ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर. तो आई विल ओपन माय कंपास 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन किया, तो मैंने यहां से पेंसिल उसको कट कर दिया. ओके, आफ्टर देन अब मेरे पास क्रॉस आ गया, इसको पॉइंट आ गया ना जहां पर इंटरसेक्ट करना. अब ये ज्वाइन नहीं होगी तो मैं बड़ा स्केल ले रही हूँ बेटा, तो मैं इससे ज्वाइन करूंगी इसको. लीजिए, ज्वाइन इट. ओके बेटा, मार्क दिस एज ए, मार्क दिस एज सी. प्रिंसी यहां तक हो गया बेटा, समझ आ गया यहां तक. ओके चलिए, अब उसने कहा था डी पॉइंट एक हमने बनाना है बी से जो इस पे परपेंडिकुलर है, है ना. डी हाइपोटेन्यूज क्यों होना चाहिए, तो मैंने आगे भी कहा था कि एक लाइन पे अगर आउटसाइड द पॉइंट से हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो ना, तो आपको याद हो मैंने 8th में बताया था कढ़ाई वाला मेथड, है ना. मतलब वी हैव टू मेक अ बाउल हियर, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, बाउल लाइक कर्व, तो मैं उसको कढ़ाई बोलती थी हमेशा ताकि बच्चों को लर्न रहे. तो मैंने इसको कंपास यहाँ रखा और इतनी को ओपन करनी है कि मेरी यहाँ पर एक कर्व जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट करे. देखो मेरी कर गई, आप थोड़ा ज्यादा ओपन, अगर आपको विजिबल नहीं है लेट अस ड्रॉ वन मोर, थोड़ी मैं बड़ी करती हूँ. ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखिए, ये आपको विजिबल होगी. इसके साइज का डजंट मैटर, आप जो है वेट कम वाली थोड़ी मोटी, बट इस लाइन को दो जगह पे वो क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, करने के बाद मैंने एक यहां पर रखा और जितनी कर्व लगाई है उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज्यादा ओपन करके जो है एक आंख ऊपर लगाई और एक जहां पर वो अलग दोबारा इंटरसेक्ट दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट कर लिया, ये क्रॉस आ गया मेरे पास. ठीक है, तो अब मैंने इस क्रॉस को यानी ये पॉइंट को मैंने इस वर्टेक्स बी के साथ ज्वाइन कर दी. लीजिए,
यहां पर जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट मेरा डी है बेटा, दिस इज माय 100% परपेंडिकुलर। आप यहाँ डी रख के चेक कर लो, ये बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी होगा ही होगा। बात समझ आ गई यहां तक प्रिंसी? क्लियर बेटा? ठीक है, अब इतना स्टेप। हाँ जी, यस भानु, यस भानु बेटा, अनम्यूट कीजिए भानु। मैम ये जहाँ से वो आपने वो कढ़ाई बनाई वहां से बताना है एक बार फिर से। कुछ भी नहीं किया बेटा, बाउल जो मैंने बनाया कर्व, एक्चुअली वो कर्व होती है, आपको याद कराने के लिए बोल देती हूँ। यहाँ पर मैंने कंपास रखी और मैंने एक यहाँ पर कर्व काटी कि जो कढ़ाई की तरह बन जाए बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरे पास कर्व आ गई। ओके, अब ये कर्व आई वो यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर कंपास एक बार हाथ से ज्यादा ओपन करके आर्क लगाओ, फिर दूसरी जगह आर्क लगाओ, ये क्रॉस बच जाएगा, इस क्रॉस को बी के साथ ज्वाइन कर। ओके भानु, क्लियर भानु बेटा? चलिए ठीक है, अब यहां तक स्टेप हो गया। अब उन्होंने मेरे को क्या कहा है, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी सी और डी से पास करे। अब बेटा मैंने आगे भी आपको बताया था, अगर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू, मैं बेटा यहां पर किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर, किन्हीं दो साइड्स का, तो जो हाँ वो इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। ओके बेटा, क्लियर? तो मेरे पास जो है यहां पर क्या हो जाएगा, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकाल ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करके, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, तो मेरे पास जो हाफ से ज्यादा ओपन की वन, इधर मैं इस लाइन का डी सी का ड्रॉ कर रही हूं, तो एक आंख ऊपर लगाते एक आंख नीचे। अब दूसरी साइड पे गई, मैंने एक आंख जो है मैंने ऊपर लगाई और एक आंख नीचे, तो देखो अपने आप इंटरसेक्ट कर गया ना, दो क्रॉसेस आ गए, तो अब इसको ज्वाइन करने लगी हूं मैं जो है पर्पल चौक से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको परपेंडिकुलर, और मैं डॉटेड ड्रॉ करूंगी बिकॉज आई डोंट नीड दीज लाइंस, मुझे तो सेंटर चाहिए। हम अगर स्केल पूरा नहीं आता तो आप बड़े स्केल से इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा बेटा स्केल ज्यादा लिया होता है आपके कंपैरेटिव, तो मुझे आई हैव टू यूज द लार्जर स्केल। ओके, ये लीजिए, ठीक है जी, ये इस लाइन का डी सी का हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब जो बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी करता है। अब मैं बी सी का ले लेती, आपने बी डी का लेना बी डी का ले लो, बट मैं पता क्यों नहीं लेती, इधर ऑलरेडी बहुत कुछ बना हुआ है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ऑलवेज एक डी सी का एक बी सी का। अब मैं बी सी का लेने लगी, देखिए हाफ से ज्यादा मैंने ओपन की, ठीक है, चौक को दोबारा डालती हूं मैं, चलिए दोबारा सेट करके ये लीजिए, ये मेरी आंख जो है एक नीचे लगाई एक ऊपर लगाई, देन ये वो बाय चांस ही देखो वही वाले आंख आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, और एक ये फटाफट याद रख लो कि मेरे पास एक ये पॉइंट और ये पता चल गया, अब इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है, लेट अस ज्वाइन देम। अब जब मैं ज्वाइन कर रही हूं मेरे पास जो है इसको फिर डॉटेड, ओके, तो मैं यहां पर पिंक चौक से कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा, लीजिए अब ये पॉइंट आया मेरे पास,
जहां दोनों परपेंडिकुलर मीट कर लो, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके, अब मैंने यहां पर कंपास रख के किसी एक वर्टेक्स तक, चाहे सी तक, चाहे डी तक, चाहे बी तक, देखना सेम आएगा। मेरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपकी कॉपी में नहीं आएगा। और जब भी कंस्ट्रक्शन करो ना, अपनी लैप में रख के नहीं, अगर अपनी लैप में रखना है तो कार्डबोर्ड नीचे होना चाहिए, टेबल पे रख के करो, कभी गलती नहीं होगी। ओके, तो अब मैंने क्या करना बेटा, यहां पर इतना एडजस्ट किया, देख सर्कल ड्रॉ कीजिए, क्योंकि हमारा चौक जो है बेटा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आपकी पेंसिल एक बार कंपास में आ गई तो वो कभी नहीं होगी, फिर भी 99% मेरा करेक्ट, आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। सर्कल बन गया प्रिंसी, इतना काम हो गया बेटा, क्लियर हुआ प्रिंसी? बानो, आप दोनों की प्रॉब्लम थी बेटा, क्लियर है? चलो गुड। अब बेटा हम आगे क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है यहाँ पर। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब उन्होंने कहा कि आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, बाकी सब कुछ मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, है ना? तो मैं आपके लिए ना इसको ऐसे डॉटेड कर देती हूँ कि आई डोंट नीड एनीथिंग, ये लो, आपके लिए थोड़ा लाइट कर देती हूँ, ये लीजिए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये सर्कल चाहिए। मैं डार्क करने लगी हूं, ये देखिए, आपने ऐसे कुछ नहीं करना, और मुझे ये पॉइंट ए चाहिए और कुछ नहीं। अब आपको पता है सेंटर एक्सटीरियर पॉइंट क्या करते होते हैं, सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। मेरी लाइन एक्सटेंड होगी ज्यादा, ये लीजिए। ओके, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, जो है हाफ से ज्यादा ओपन करके, ठीक है? मैंने ड्रॉ किया, एक आंख नीचे, एक आंख ऊपर, फिर दूसरी साइड पे जाइए, एक आंख उसको क्रॉस कीजिए जो पहले कर्व बनाई है, और फिर ठीक है, और यहां पर दोबारा देखिए क्रॉस बच गया दोनों। तान्या वेट बेटा, जस्ट वेट, ठीक है? तो मेरे पास हो गए, मैंने कौन सी आंख यहाँ लगाई थी, लेट अस चेक, ये वाली आंख, ओके, और इधर से मेरे पास जो है ये वाला वाला, ओके, और इधर से मेरा ये वाला वाला, ठीक है? इसको ज्वाइन करें, ठीक है? कंप्लीट करके तान्या फिर आपकी बात सुनती हूँ, इसको दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। आई विल गेट द न्यू सेंटर, अब मैं डॉटेड ही बनाऊंगी इसको, ठीक है? ये मेरे पास न्यू सेंटर आया। इसको बनाने का ना एक और मेथड भी है, नो डाउट उसमें थोड़ा कम ये ऐसे ड्रॉ होता है, बट उसमें नया मेथड लर्न करना पड़ता है, मैं नहीं चाहती, इसमें पुराना ही मेथड है। बस ये नया सेंटर आया, यहां पर कंपास रख के, ठीक है, मैंने इतना ओपन किया और मैंने चेक कर लिया, ठीक है? तो सर्कल पे बस आंख लगा दो, एक तो ये बना ही हुआ है टेंजेंट, यही होता है, देखो कल भी यही आया था, आज भी यही आया। अब मैं क्या करूंगी, इसको जहां पर आग लगी है यहां से ये मैच कर दूंगी। देखो मैं ये फाइनल वाले सारे जो है मैंने किससे ड्रॉ किए, पिंक चौक से, ताकि आपको ये देखे, ये ए नाम है, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, 100% पी ए जो है वो पी क्यू, पी ए और ए के, ये आपस में इक्वल, ठीक है जी? यस तान्या बेटा, यस बेटा। मैम एक बारी वो बताना, आपने सर्कल बनाने के बाद फिर क्या किया? सर्कल बनाने के बाद मैंने पुराना ही मेथड तान्या किया, उन्होंने कहा ए से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ए एक्सटीरियर पॉइंट है, हम एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल और एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना तान्या, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं,
नया सेंटर आता है, नए सेंटर से पुराने सेंटर में डिस्टेंस मेजर करके सर्कल को कट करते हैं और वहां से ज्वाइन करते हैं, फिर बाकी पुराना भूल जाओ। वही फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन वाला मेथड, पता चला बेटा? तानिया क्लियर? ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, यही क्वेश्चन था जिसमें ये थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता, अदरवाइज अदर ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस डू दैट। रब कर दो बेटा जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, मेरे पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कहा ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। अब उन्होंने बैंगल की हेल्प से एक सर्कल लिया, अब मेरे पास बैंगल तो है नहीं है, तो मैं डी की हेल्प से आई कैन ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, लीजिए मैंने डी की हेल्प से मैंने जस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, लीजिए आई ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टेक एनी पॉइंट, जिधर मर्जी ले लो, लेफ्ट पे ले लो, राइट पे ले लो, वेयर एवर यू थिंक यू कैन टेक इट। नाउ कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू ए सर्कल। ओके, तो इस पॉइंट से सर्कल पे कहीं पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आई नीड सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो कैसे ढूंढू सेंटर ऑफ सर्कल, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, हमने सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया था, बता सकते हो कैसे? एनीबडी फ्रॉम योर साइड, जल्दी जल्दी, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ ए सर्कल? नहीं पता है किसी को भी नहीं। अगर एक बैंगल की हेल्प से, यस प्रिंस से, यस बेटा वेरी गुड, बताइए बेटा। मैम मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे क्या था लास्ट क्वेश्चन में? तो मीडियन नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, हमने दो वहां पर ट्रायंगल बना ली थी अंदर, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दो कॉर्ड्स, वी कैन ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स, ये लीजिए, बस वो पैरलर कॉर्ड्स मत बना। हाँ, एक पॉइंट से मीट करती बन जाए तब भी ठीक है, पैरलर नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी तो मुझे सेंटर पता चल जाएगा, बस सेंटर आ गया तो मेरा काम हो गया। चलिए ड्रॉ कीजिए जल्दी 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 बेटा। मैंने एक ड्रॉ किया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, साथ साथ ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पुराना ही काम है ना हमारा। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्या करेंगे, सेकंड कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो लेट अस ड्रॉ। एक ऊपर एक नीचे, देखिए कट कहां कर रही है। ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आई विल गेट हियर, सो व्हाट आई हैव टू डू, जॉइन अगेन दीज टू पॉइंट्स, क्रॉस पॉइंट्स, मैंने जॉइन, आई गेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल वेयर दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस मेरा एम क्या था, टू फाइंड द सेंटर, सेंटर आ गया, आउटसाइड पॉइंट पता है, तो कैन यू कैन ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट, कोई बता सकता है कैसे? ने बहुत बार कर लिया, और ये टेल मी, हु विल टेल मी, जल्दी जल्दी, हु विल टेल मी हाउ टू ड्रॉ व्हेन द सेंटर इज अवेलेबल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज अवेलेबल, फ्रॉम वेयर आई हैव टू ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट। सक्षम करो, वर अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी हाउ टू ड्रॉ बेटा। सक्षम, हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे लाइन, तो फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और सेंटर दूसरा आएगा,
बिल्कुल सेंटर से दो आर्क्स लगाएंगे उस लेंथ की। बिल्कुल करेक्ट बेटा, हम लोग जो है जैसे हमने पहले इतने क्वेश्चन किए है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है सेंटर और आउटसाइड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हाफ से ज्यादा ऊपर, हाफ से ज्यादा नीचे, देन मेरे पास हो गया सेंटर, हाफ से ज्यादा ऊपर, हाफ से ज्यादा नीचे कट किया, ओके। आई विल गेट टू क्रॉस, देन आई ज्वाइन दीज टू क्रॉसेस के जो पॉइंट्स आए हैं, ओके मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके। आई विल गेट अ न्यू सेंटर, मैं बार बार कहती हूँ न्यू सेंटर ओल्ड सेंटर का डिस्टेंस कंपस रख के मेजर कीजिए और सर्कल पे ये लीजिए, ओके बेटा। तो अब क्या करेंगे यहां पर, मेरे पास तो गए इनको ज्वाइन कर देंगे, बस ये मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो बहुत इजी था हमारे पास करना। ये लीजिए, ओके बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सबको समझ आ गया बेटा, ओके। तो आप लेबल करोगे सेंटर ओ ए पी क्यू एंड मेजर पी ए एंड जो है ए क्यू एंड बोथ शुड हैव द सेम लेंथ, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ओके जी। समझ आ गया बेटा, चलिए अब फर्स्ट एक्सरसाइज का एक सम रहता था ना हमारा, तो लेट अस डू दैट, और उस पर भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ध्यान से करना है, ठीक है, चलिए लेट अस डू दैट। अभी हमने जो सेकंड एक्सरसाइज में किया ना बेटा, हमने क्या किया था, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए थे, या हमें ये पता था कि दो टेंजेंट्स जो इंटरसेक्ट करती है वो कितने एंगल पे करते हैं। अब हमने क्या लर्न करना है, एक लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, ओके, एक लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना। वी कैन लर्न दिस फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1, ओके बेटा, और इसके दो मेथड्स है, आप कोई भी मेथड लर्न कर लीजिए, दोनों से हो सकता है। 11.1 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन आवर सिलेबस, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, हाउ वी विल डू दिस। मान लीजिए हमारे पास जो, हमें एक लाइन को डिवाइड करना है सपोज 3:2 में, ओके, I have to divide a line in 3:2, कोई भी लाइन दी, then how to divide? मेरे पास जो है इसके दो मेथड हैं, पहले मैं दोनों मेथड कराऊंगी आपको, दोनों तरह से करूंगी। सबसे पहले आपने जितनी लाइन दी है ना उतनी ले लेनी है, मैं साथ साथ ड्रॉ करती हूँ आप कीजिए। लेट अस सी, मान लीजिए मुझे लाइन दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं 6 सेंटीमीटर लाइन ले रही हूं, दिस इज द फर्स्ट मेथड विच आई एम टेलिंग, ओके। आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन 3:2, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बेटा, मैं 90 एक्यूट एंगल, मैं 60 बनाती हूँ, 60 डिग्री इधर बनाइए, 60 डिग्री नीचे बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, आप तो कॉपी टर्न करके बना सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे लिए ब्लैक बोर्ड टर्न करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, ओके। आपको कर्व थोड़ी लाइट नजर आएगी, ये मेरी कर्व पूरी है, ओके, मैंने 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे, इसको 60 डिग्री एंगल को ज्वाइन कीजिए,
ठीक है, ये नीचे आएगा। वैसे क्यूट एंगल होता है, कोई भी बना सकते हो, जितना इधर बनाना उतना इधर बनाना, हम 60 ही प्रेफर करते हैं। ओके, अब बेटा क्या करना है, आपको 3:2 में कहा है ना, नीचे वाली लाइन को एक बार इसको सेट कर लीजिए, जितना सेट करना, ठीक है। नीचे वाली लाइन को 3:3 में काटिए, जो पहले रेशियो दी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ 2:3 है तो नीचे वाली लाइन को 2 में काट देना, यहाँ 3:2 है तो पहले 1, ओके, फिर यहाँ रखा 2, अगला यहाँ रखा 3, अगली रेशियो क्या है 2, यहाँ रखा 1। इसको चेंज नहीं करना, वंस द कंपास इज सेट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट अगेन एंड अगेन। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स कर दी। ओके, अब क्या करेंगे हम यहां पर, व्हाट वी हैव टू डू, उन्होंने ये आपकी मान लो लाइन ए बी है, ये ए वन होगा, ये ए टू होगा, ये ए थ्री होगा, ये बी वन होगा, ये बी टू होगा, ठीक है। 3:2, तो इधर से 3 वाला, इधर से 2 वाला ज्वाइन कर दो, ये जो पॉइंट आएगा ना सी, ये 100% पूरी लाइन को 3:2 में, देखो आगे ज्यादा है पीछे कम है, सबको बात समझ आई, मुझे ये इजी लगता है मेथड, मुझे ये इजी लगता है ना। बट एक और मेथड है, वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ना वो एमसीक्यूज में उसके टाइप वाला क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी एमसीक्यू कह रही हूँ, 1 नंबर में, तो हमें वो मेथड भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पता चलता है ज्वाइनिंग किसकी किसके साथ करनी। ये मेथड क्लियर हो गया, ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको अपनी तरफ से लिया, तो हम दूसरा मेथड भी इसी से करते, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ऊपर एंगल नहीं बनाना पड़ता, वो हम ना इसीलिए भी कराते थे क्योंकि आगे 11.1 के जो बाकी क्वेश्चन था ना वो उसी के साथ बनते थे, तो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू डू दैट, ठीक है। चलिए वो खत्म करते हैं बना के, ताकि हमारी ये चैप्टर खत्म हो जाए। लेट अस ड्रॉ अगेन, टेक 6 सेंटीमीटर लाइन, टेक अ 6 सेंटीमीटर लाइन, 6 सेंटीमीटर, मार्क इट एरी, ओके। अगेन ड्रॉ एक्यूट एंगल एट द बॉटम, मतलब उल्टी साइड में कोई भी एक्यूट एंगल ले लीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं हमेशा 60 ही प्रेफर करती हूँ, ओके। मैंने ये 60, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी लगाओ, आपके लिए पूरी लगा देती हूँ, आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये 60 एंगल की नीचे बना दिया बेटा, ओके। अब ध्यान से, मुझे 3:2 में कहा है, दोनों को प्लस कर लो, 3+2 5, 5 इक्वल पार्ट्स में काटिए नीचे, 5 इक्वल पार्ट्स। अब बच्चे पता क्या कई बार गलत मतलब करते हैं, जितनी ये आंख है ना उतनी लेके कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा कर लिया करो, डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर रखा, मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4 और दिस इज 5 ड्रॉ कर दिया। अब लास्ट को लास्ट से ज्वाइन कर, लास्ट को लास्ट से ज्वाइन कर दिया। इसको लेबल कर दो, A1, A2, A3, A4, A5, जल्दी कीजिए जल्दी। अब मुझे 3:2 में करना है, तो थर्ड वाली ये कर्व है ना, अब यहां एक लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो, इसके पे हम चलाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को कहती हूँ, आप पता क्या करा करो, कि यहां पर ऐसे डी रख के ना, कि कितने एंगल पे इसके साथ कर रही है, ऐसे डी रखा, देखो इस पे कितना एंगल मैंने ये मार्क कर लिया, ये देखो ऐसे मैंने मार्क कर लिया,
आपने ए थ्री पे बनाना है, मैंने रखा यहाँ, मैंने ये मार्क कर दिया, ये देखो मैं चलाकी से बता रही हूँ कि कैसे करते हैं, इससे गलती नहीं होती। मैंने ये मार्क कर लिया, कहाँ मार्क किया था, ये वाला, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ए थ्री और इस पे लाइन रखा और ऐसे ज्वाइन, बिल्कुल ये बिल्कुल पैरलर आएगी देखना। फिर मैं उनको कहती हूँ, क्योंकि एंगल सेम आ गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो अब मैं कहती होती हूँ, यहाँ पर शो कर दो कि आपने एंगल बनाया, एक कर्व ओपन करके जितनी मर्जी ऐसे ऐसे, यहाँ पर जितना एंगल ये वाला देखना क्रॉस होगा तो यहाँ पर अपने आप हो जाएगा वो एंगल आएगा। देखो इसे हम कहते हैं चलाकी वाला मैथ, क्योंकि एंगल बनाना है हमें, वो नहीं पता चल वहां पर थोड़ा पता कि आपने पहले एंगल बनाया, लाइन बना दिया, बाद में एंगल बना, आप पहले लाइन बना लो। तो 100% ये सी पॉइंट होगा, 100% ये, तो ये ए, ये थ्री, ये रेशियो टू, और एंड में लिखना है ए सी ओवर सी बी इज 3:2। इसमें भी आप जो मर्जी मैथ, उसमें हमने कोई चलाकी नहीं की थी, पर इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ ट्राई टू फॉलो दिस मेथड, कभी गलती नहीं होगी। आप खुद देख लेना, जितनी मेरी एसी इधर आई थी उतनी एसी इधर आई। सबको बात समझ आई, सबको? बस 4-5 बच्चों ने हैंड रेस थम्स अप किया, बस ऐसे मजा थोड़ा आपका, एक्टिव रहा करो। अब 11.1 का क्वेश्चन जो है, अच्छा कई बार इसके साथ ये भी आ जाता है मैयर द पार्ट, तो आप मैयर भी करके दिखाओगे ये कितना कितना पार्ट है, और उसकी रेशियो डिवाइड करके दिखाओगे वो इतनी आती है, ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए आपका होमवर्क है 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, ठीक है बेटा, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ठीक है। और प्लीज डू एक्टिव इन द क्लास सो दैट आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते, क्लियर?